गया पेपर? अच्छा कुछ छुटा तो नहीं? नहीं। रॉन्ग आंसर तो नहीं लिखा? मैं लेट के एडिटिंग कर रही थी, सब कुछ ऐसा बाल बाल बिखरे हुए हैं और देव आ गया है। आज इसका फर्स्ट पेपर था जीके कंप्यूटर और ड्राइंग का, और हाँ, ड्राइंग और जीके का, सॉरी। और क्या बोलते हैं, बस अब स्वीटू भी आने वाले हैं, आधा घंटे में आ जाएंगे। और स्वीटू ला लेके आ रहे हैं देव के लिए समोसे, मलाई चाप और मीठी चटनी। हाँ जी खुश हो जाता है ना बच्चा, और ठीक है थोड़ा बहुत ज़रूरी भी है। और तो वही अभी वो आएंगे, आई थिंक 4, 4:30 बज जाएगा उनको आते आते। तो थोड़ा सा इसको अभी मैं दे देती हूँ खाना, उसके बाद तो फिर समोसे ही खाएगा। तो मुझे पता है, इसलिए मैंने पहले बता दी, क्योंकि अभी पेट भर नहीं खाएगा। अगर पेट भर खा लेगा तो फिर आधा पौने घंटे में वो दोबारा नहीं खा पाएगा। 5 बजे इसको कोचिंग भी जाना होता है। मेरा गोल मटर बहुत रोके पड़ रहे इसमें, देखी खुद मैंने, क्योंकि मैं स्कूल रेगुलर नहीं लग रहे थे ना, थक गया है, जा चेंज कर ले। 3:25 हो रहा है बेटा। ये रही चमचम जो हमारे सबको बहुत पसंद है, और ये गर्मा गर्म समोसे, और ये हरी चटनी, ये मीठी चटनी, और ये नींद में झूमते हुए स्वीटू और ये मैं भी काफी थक चुकी। आज मैंने एक दिन में 4 व्लॉग्स एडिट किए हैं और 2 अपलोड कर दिए। सोच रही हूँ बाकी भी कर दूंगी, क्योंकि बहुत टाइम से हो रहा है ना कि मैं कवर नहीं कर पा रही हूँ। जितना सब कुछ होगा ना कल तक सब एडिट करके अपलोड करके, भले कम भी हुआ है ज्यादा हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन हाँ कर दो, कम भी हुआ है ज्यादा भी हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन उनको मैं डाल के वो करूंगी। आप करते पेट पूजा, इवनिंग का टाइम हो रहा है और अब मैं पी रही हूँ फैंटा। सीटू भी आ रहे हैं, इसके बाद बनाऊंगी गुजिया। दाल को कुकर लगा दिया था मैंने, दाल हो गई है, बस अब इसके बाद गुजिया बनाते हैं। उस खाने में सिंपल दाल चावल, लेमन मिर्ची और चटनी रहेगी। यहाँ पे 1/2 kg से थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा मैदा था, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल गरम करके उसका मौन लगाया है, और इस तरीके से हो गया, मतलब मौन अच्छे से लग गया है। तो हल्का हल्का पानी ऐड करके इसका आटा गूंथ के मैं रेस्ट के लिए रख दूंगी, गुजिया की मतलब जो पाती बनाना होता है उसके लिए। हाफ कप सूजी ली है स्मॉल कप से, इसको मैं रोस्ट कर लेती हूँ। इसको छान लिया था मैंने पहले, सूजी रोस्ट हो चुकी है, कलर चेंज हो गया है। अब इसको मैं टर्न कर लेती हूँ। देखिए ये एकदम फ्रेश मावा है, इसको स्वीटू ने ग्रेट कर दिया है। अब इसे मैं गरम कर लेती हूँ। ये देखिए इसमें से घी निकलने लगा, ये एकदम ताज़ा और एकदम प्योर और सॉफ्ट खोवा है, इसमें से पूरा घी निकलने लगा है। इसको मैं रोस्ट कर रही हूँ, इसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए एकदम दानेदार हो गया है ना, पूरा अलग अलग हो गया है। अब इसको निकाल के इसी में डाल लेती हूँ। ये इसमें मैंने एक साथ ही डाल दिए थे, इसको हल्का सा बस गर्म कर लेते हैं, इसको रोस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी और स्वीटू को मैंने थोड़ी सी हेल्प करने के लिए बोली थी कि कोकोनट को ग्रेट कर दो और इसको कर दो, तो उन्होंने कर तो दिए बट उनको ध्यान नहीं रहा, तो उन्होंने सब कुछ एक साथ मिस कर दिए। तो अब मैं घी में ड्राई फ्रूट भी रोस्ट नहीं कर सकती, और मुझे नारियल को ग्राइंड करना है, तब सारे जो ड्राई फ्रूट है वो खड़े खड़े नहीं आएंगे, वो भी ग्राइंड हो जाएंगे। महंगी पड़ गई, दिखा दो यार करते करते। स्वीटू का इंटेंशन तो मेरी हेल्प करना ही था, जैसा कि हमेशा करते, बट होता है ना कभी कभी मुझसे भी बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उनसे भी हो गई। यहाँ पर ये मैंने चीनी ग्राइंड कर ली है, ये 1 कप चीनी है। बोली तो थी मम्मी के दोनों को अलग अलग करना 2 से 3 बार, लेकिन जब लास्ट टाइम आता है ना, जब उसको क्या नाम है नारियल को वो करना था, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं ग्रेट करना था, तो ये कुछ बात बताने लग गई।
तो नहीं, मैं कुछ नहीं बात बताने लगी, आप और देव बात कर रहे थे, मैं और देव कर रहे थे क्या जबरदस्ती मेरे ऊपर डाल दो, कुछ ना कुछ तो बात करने लग गए, मेरा ध्यान नहीं गया और मैं वो करना शुरू कर दिया था, तो फिर वो हो गया, वो सब मिक्स में हो गया एक साथ, तो वो कुछ और करते करते कुछ और ही हो गया, वो तब पूरे ग्राइंड करके अब वो सब एक साथ ही ग्राइंड होगा, और तो जो खड़े खड़े मुंह में आते हैं वो नहीं आएंगे। इसमें थोड़ा ऐसा है कि हर जगह काजू आ जाएगा, अच्छा टेस्ट आएगा, ये ज्यादा अच्छा टेस्टी लगेगा, थोड़ा डिफरेंट लगे। हाँ जी, तो जो ड्राई फ्रूट और कोकोनट को ग्राइंड किया है वो भी इसमें ऐड कर देते। ड्राई फ्रूट में मैंने काजू लिए थे, बादाम लिए थे और चार बीजे के दाने लिए थे, जैसे कि जो मावा था खोआ वो भी ठंडा हो चुका है, तो इन सबको मैं अच्छे से आपस में मिक्स कर लेती हूँ ताकि सब सारी चीज़ें इक्वली हर जगह पहुँच जाए। हर चीज़ के एक फायदे और एक नुकसान होते हैं, तो आज गुजिया मिलेगा वो खाने के लिए, ये हमारा फायदा है, और लोगों को दाल चावल से काम चलाना पड़ेगा, ये हमारा नुकसान है। देव खुश है, देव को पसंद है पीली वाली दाल और चावल। देव तो भैया कुछ भी खा लेता है, वो तो घिया तोरी लौकी सब खा जाता है, उसको कुछ दिक्कत नहीं है उसको। यही रोटी सब्जी बनाते तो भी टाइम भी बहुत हो जाता है, इसलिए सीटी से भी पूछी थी मैंने। नहीं, आपने हाँ बोले थे। हाँ मैंने ही बोला था, मैं ही हाँ बोला हूँ, लेकिन अब क्या बोलूँ मतलब। तो बस ये लग, बस तो मसाला मिक्स हो रहा है, इसके बाद इसके लिए वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं, डो बोलते हैं ना उसको, वो बना दिए, डो तो बना है, डो बन गया। अब वो उसको ऐसे बेलेंगे रोटी जैसे, उसके बीच में डालेंगे और वो शेप देंगे, है ना। और उसके लिए पर्टिकुलर क्या वर्ड है मेरे को नहीं आता। बाकी आज देव का फर्स्ट एग्जाम हो गया है, वो नहीं डर रहा था, हम डर रहे थे कि भाई तू क्या करेगा, ये तो बता रहा है कि नहीं ठीक गया, अच्छा गया बता रहा है, तो ठीक है, झूठ बोलता नहीं है वो, अच्छा ही गया होगा, अच्छी है, गलती है तो है मान लेगा। हाँ है तो है, मान लेगा, नहीं ये नहीं करेगा, मतलब वो कवर अप नहीं करेगा किसी भी तरीके से कि मतलब ये हो गया या ऐसा नहीं हुआ। हाँ हो गया, अगर नहीं माना कुछ अदा नहीं करके तो हंसेगा वो, अगर उसने कभी अगर वो बोल रहा है कि ना मैंने नहीं किया, आपकी तरफ आएगा हंसते हंसते, अगर नहीं मैंने ये नहीं किया, समझ जाओ कि हंस रहा है, मतलब किया है, तो वैसे भी बोल देगा। और ये जो आपको थोड़ा ऊपर दिख रहे हैं बर्तन फैले हुए, ये अभी इसी काम के पूरे बर्तन है, वो दाल का कुकर है, वो मैदा इसने लिया था, मैदे का पाउच है, और मतलब से है मैदा अभी, बाकी ये बर्तन वैसे ही है, ये बनाने में जो यूज हो रहे वही सब है अभी। वो तो खैर होता ही है, गुजिया या फिर करंजी भी बोलते हैं महाराष्ट्र में, इसको करंजी बोलते हैं, बाकी सारी जगह इसको गुजिया बोलते हैं, और कुछ भी बोलते होंगे तो नहीं पता। इसकी स्टफिंग तैयार हो गई है, कुछ लोग इसमें बुरा भी मिक्स करते हैं, मैंने चीनी मिक्स करी है पीस के, ठीक है ना मसाला, मस्त है। और पूरा गुजिया का मिक्सचर बन गया, बट मैंने उसमें इलायची पाउडर डालना भूल गई थी, स्किप हो गया था दिमाग से, तो अब इलायची पाउडर भी ऐड कर रही हूँ, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। बीच में गुजिया के प्रोसेस से थोड़ी सी हम लोगों ने टाइम निकाल लिया है कि अपने डिनर के लिए, इसके बाद बनाऊंगी, तो यहाँ पे जीरा वाली है सॉल्टेड लेमन मिर्च फ्राई कर दी है, ये बहुत अच्छी लगती है, और दाल चावल रहेगा, टमाटर की चटनी और प्याज। बाद अगेन हम लोग बैठ गए हैं गुजिया की प्रिपरेशन में, सीटू के हाथ में है कैमरा, मैं बना रही हूँ गुजिया के लिए ऐसी पतली पतली पहले रोटी जैसी बेल लूँगी, इसके बाद गुजिया तो खैर हर किसी को आती है, हर किसी के घर में बनती है गुजिया, एक मतलब एकदम कॉमन स्वीट डिश है फेस्टिवल्स में बनने वाली, होली हो राखी हो इसमें तो बनती ही बनती है, और होली की तो मतलब कहते हैं ना गुजिया होली की जान होती, बिना गुजिया के होली कंप्लीट नहीं है। और जैसे हमारे यहाँ ना मतलब अगर जैसे बेटियों को गुजिया का शगुन भी पहुँचाया जाता है मायके से, तो ये सब कुछ भी होता है, तो गुजिया से बहुत सारे रीति रिवाज भी जुड़े हुए हैं। बस यहाँ पर अब मैं इसकी मैंने ऐसे लंबी लंबी गोल गोल रोटी बेल ली है, अब इसमें थोड़ी सी वो स्टफिंग ऐड करूँगी, और स्टफिंग ऐड करने के बाद इसे इस तरीके से मैं पैक कर लूँगी, देन फॉक की हेल्प से इस तरीके से इसमें डिज़ाइन बना लूँगी और इसे हल्का सा कट कर दूँगी शेप में लाने के लिए। इस बार क्या हुआ है कि मेरा जो गुजिया का साँचा है वो लूज़ हो चुका है, 8-9 साल पुराना है, मुझे नया लेना है, तो फिर हाथ से ही बनाने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग हाथ से बहुत अच्छे टाइट गुजिया बना लेते हैं, बट मैं फर्स्ट टाइम ऐसे बना रही हूँ हाथ से, नहीं तो मैं गुजिया के साँचे से ही बनाती थी। तो थोड़ी सी गुजिया बना के रख दी, अभी बाकी है बनाना, लेकिन सबको भूख लग गई थी तो हम लोग डिनर करने बैठ गए। ये रही दाल, टमाटर की चटनी, सॉल्टेड अनियंस नींबू वाले, नींबू सॉल्टेड मिर्च, हरी मिर्च जो लेमन वाली बनाई थी, और अचार, और ये रहे हम सब। सीटू के हाथ में चोट लग गई, मतलब जल गया वो, तो क्रीम लगाए अभी।
इनको ना हाथ में थोड़ा सा जल गया था, तो फिर उनको वो मैंने वो क्रीम लगा दी, काफी जलन कर रहा था, देन फिर से बैठ गई खाना खाने के बाद बनाने। अभी बड़े छोटे आड़े तिरछे हम कैसे भी बना रहे हैं। देखो जी पिज्जा खाना हो गया है, अब हम लोग भुजिया बनाने बैठे, इसमें सब कुछ वॉइस ओवर होगा बाद में, बस दिख रहे हैं बड़े छोटे आड़े तिरछे कैसे भी बना रहे हैं। ये हल्का सा मैदा लाते हुए इसके ऊपर गिर गया है, ये टोटल 22 पीस बने हैं। यहाँ ऑयल गर्म करने रख दिया है, देव सामान लाला के रख रहा है अभी झूठे बर्तन। अब हम सबकी बच गई है बैटरी खत्म, और मेरे को खाने का तकलीफ बहुत होती है और ऐसे से दर्द बहुत बढ़ गया है। हम लोग अब वैसे बैठे थे तो सो के उठे, ऐसा लग रहा है थक गए करते करते। वैसे भी खाने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन बनाने में बहुत हालत खराब होती है। और आज एक गड़बड़ भी हो गई गुजिया बनाते टाइम, जैसे ही मैंने ये तीन के बाद चौथा या पांचवा गुजिया इसमें डाली और जब वो फूलने लगी तो एक गुजिया उसमें से फूट चुका था। जैसे ही वो फूटा ना मतलब स्टफिंग बाहर निकली तो पूरा ऑयल ख़राब हो गया, उसकी वजह से फिर बाकी के गुजिया बनाए मैंने ऑयल चेंज करके, बट फिर वीडियो ही नहीं शूट किया था। और मुझसे ना वो सांचे वाले ज़्यादा अच्छे बनते, टाइट रहते, पैक रहते, फर्स्ट टाइम हाथ से बनाए मैंने तो वो फूट गया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ऑयल भी ऐसे ही हो गया। फिर उसको मैंने छान ली थी छन्नी से स्टील की। तो आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले। कल मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ, इसके बाद क्या हुआ वो कल के व्लॉग में शेयर करूँगी, वरना व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और जो नए व्यूवर्स है वो प्लीज़ 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 मेरे पुराने व्लॉग्स भी जाकर देखिए, ताकि आप मेरे चैनल से इजिली कनेक्ट कर पाएँ। ये देखिए आपको दिख भी रहा होगा वो फूटा हुआ अलग सा गुजिया जो फूल के गुब्बारा बन चुका है, तो इसकी वजह से पूरा ऑयल दिख भी रहा है ना, निकल के स्टफिंग पूरे ऑयल में सब तरफ जा रही थी। तो ऐसा नहीं है, गड़बड़ सबसे होती है, और इस बार तो कुछ ज़्यादा वाला रायता फैल गया गुजिया में ऐसा लग रहा है। तो फिर एक होता ना इतनी मेहनत से करो और थोड़ी सी भी चीज़ अगर वो हो जाए, स्टफिंग परफेक्ट थी सब कुछ अच्छा था, लेकिन जो गुजिया फूटने लगे थे ना दो तीन, इसकी वजह से दिक्कत हो गई थी। और प्लीज़ 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 जो भी नए व्यूअर्स है बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।